Hey, this is me welcoming you all in this video. I'm going to talk about something really very important. Watch this video till the end, right? Sir, Group D ka kab tak notice aayega? NTPC ka to exam start hone se 28 din pehle aa chuka tha. Group D ka ab tak koi pata nahi है यार. एक चीज़ समझना ज़रूरी है, अगर जेन्युइनली देखा जाए तो 28 दिसंबर टू 31 मार्च 2021 को रेलवे का प्लान था कि आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 फिनिश कर देना है, जो कि संभव नहीं हो पाया, पॉसिबल नहीं हो पाया. इवन अभी तो एक फेज़ बाकी ही है, दैट इज़ 7th फेज़ बाकी है, उसका अभी तक कोई ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन तक नहीं है, राइट? ऐसे तुम यूट्यूब पे देखोगे 50 बंदे इस डेट से स्टार्ट हो गए, ऑफिशियल दिस दैट दिस, सो मच बुलशिट इज गोइंग ऑन, दैट इज सो पैथेटिक, दैट इज जस्ट पिस्ड ऑफ फ्रॉम इट. Stop it, right? Anyway, leave it यार. Group D की बात करें यार, अभी तो तुम्हें जैसे पता ही है, मैंने एक वीडियो में डिस्कस भी किया हुआ यार, 12 टू 27th अप्रैल 2021 तक में SSC CHSL Tier 1 चलने वाला है, उसके बाद SSC स्टेनोग्राफर जिसका एग्ज़ाम 29th to 31st मार्च 2021 को होना था, क्योंकि 29th मार्च को तो होली था, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाया. तो SSC CHSL के बाद स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम होगा, ये 3 दिन के लिए ही होगा. मान लो 28, 29, 30 भी होता है तो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द TCS to conduct this exam in between. हाँ, एक चीज़ हो सकता है, जैसे 12 to 27 है, ठीक है, इसके बीच में कुछ गैपिंग हो, उसमें RRB NTPC CVT 1 का 7th phase का एग्ज़ाम हो सकता है, right? एक और चीज़ यहाँ समझना ज़रूरी है यार, आज 2 तारीख ऑलरेडी हो चुका है, 10 दिन पहले तुम्हें सिटी इंटीमेशन पता चलता है, 4 दिन पहले तुम एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाते हो, अभी तक कोई ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन नहीं है. और बहुत बंदों ने RTI डाला है, तो वहाँ पे स्क्रूटनी की बात की गई है, लेकिन जैसे मैंने तुम्हें वेरीफाई करके दिखाया था, ऑफिशियली दिखाया था RTI का, मेरा क्या रिस्पॉन्स था, एग्जामिनेशन इज़ इन प्रोसेस, इट हैज़ मैनी मीनिंग्स. आई मीन इट कुड बी पॉसिबल दैट एवरीथिंग इज जस्ट प्लान, गवर्नमेंट और RRC इज जस्ट रेडी टू स्टार्ट एग्जाम, और इट कुड बी पॉसिबल स्क्रूटनी. आई मीन यू कैन टेक सो मैनी मीनिंग्स ऑफ इट, राइट? आई होप यू आर गेटिंग, राइट? तो यार बहुत बंदों ने ऐसे RTI डाला है, तो उसमें कुछ में स्क्रूटनी भी मेंशन है. स्क्रूटनी मीन्स की जांच पड़ताल चल रही है, फॉर्म जो भरा गया, तो इसका मतलब है कि मोस्ट प्रोबेबली क्या होगा, स्टेटस फिर से जारी होगा. तो मतलब चेक कर पाओगे कि तुम्हारा फॉर्म रिजेक्ट है और या एक्सेप्ट है. एक और चीज़ समझना ज़रूरी है, जब ये स्टेटस पहली बार आया था कि फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, उस समय एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी को अभी तक ये नहीं किया, फाइनलाइज नहीं किया गया था, लेकिन आज के टाइम पे ये फाइनलाइज्ड है कि TCS ही हमारा एग्ज़ाम लेने वाले. एक और चीज़ समझना ज़रूरी, अराउंड 5 लाख फॉर्म रिजेक्ट है यार, ये मजाक नहीं है. एक मतलब कि बहुत बंदों का बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि NTPC में तो एक्सेप्ट है, ग्रुप डी में रिजेक्ट, सेम फोटो या सेम सिग्नेचर, ये NTPC में एक्सेप्ट कैसे हो गया जबकि ग्रुप डी में रिजेक्ट हो गया? ऐसे रेलवे जो चेयरमैन थे, उन्होंने 2019 में जब प्रोटेस्ट वगैरह हो रहा था, उस समय एक आर्टिकल भी आया था, एक न्यूज़पेपर हिंदुस्तान ऐसा ही करके था, उसने बोला था कि मॉडिफिकेशन लिंक
नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, राइट, ऐसा कह रहे थे। लेकिन अभी एक लेटेस्ट मैंने ट्विटर पे ही देखा था, जो कैंपेन चल रहा था कि चेयरमैन ने संज्ञान काइंड ऑफ लिया है, तो एक जेन्युइन बात है। इसलिए मैं बोलता हूँ यार, कॉल करो, ट्वीट करो, मेल करो, और ITI भी 10 रुपये सिर्फ लगते हैं ब्रो, सिर्फ 10 रुपये लगते हैं, ITI डाला करो यार, जिससे कि रेलवे को एक मतलब बताओ कि वी आर इन ट्रबल, हमें प्रॉब्लम हो रही है, हमें सॉल्यूशन चाहिए, इसका सॉल्यूशन है, तभी कुछ सॉल्यूशन निकलेगा। ऐसे रेलवे तो चाहेगा ही यार कि कम बच्चों में ही निपटा जाए, लेकिन लॉस तो हमारा है। और अभी मैं रेलवे का जो सीरीज चला रहा हूँ उसमें तुम देख रहे हो, अभी जो मुंबई जोन का था उसमें सिर्फ 97 बच्चे थे एक पोस्ट के लिए, चेन्नई में तो 94 था। अब वो 100% अटेंडेंस में वो चीज़ है यार, समझो उस चीज़ को, 100% अगर अटेंडेंस होगा तब 94 बच्चे में एक बच्चों को मिलेगा। 100% कभी भी अटेंडेंस होता है क्या यार, खुद सोचो ना यार, कभी नहीं होता। तो वो समझ लो कि 50 से 60 बच्चों में एक सिलेक्शन होना है। इजंट इट सो ईजी फॉर यू टू टेक दिस जॉब? इट इज़ यार, इट इज़, डेफिनेटली इट इज़। तो यार इसलिए बोलता हूँ कि ITI डालो, जो भी पॉसिबल, वॉट एवर थिंग्स पॉसिबल फॉर इट, जस्ट गो फॉर इट ब्रो, जस्ट गो फॉर इट, राइट। या मान लो ऐसे तो यार अप्रैल में ग्रुप डी नहीं पॉसिबल है, अप्रैल में ग्रुप डी पॉसिबल ही नहीं है, मुझे लगता है। और लॉजिकली तुम देखो ना, जैसे मैं बता दिया ना कि स्टेनोग्राफर का भी मैं, तो अप्रैल तो ख़त्म ही होगा, 15 मई से मे भी स्टार्ट हो सकता है, 15 मई। मैं अपने जो भी लॉजिक मेरा कह रहा है उसके अकॉर्डिंग ऑफिशियली कन्फर्मेशन मैं नहीं दे रहा हूँ, 15 मई से हो सकता है स्टार्ट हो सकता है, राइट। लॉजिकली तो यही लगता है ना, क्योंकि अगर स्टेनोग्राफर वगैरह का भी देखा जाए तो वो ख़त्म हो जाएगा। एक और चीज़ है कि मई में SSC CGL भी होने वाला है, SSC CGL भी होने वाला, लास्ट मई तक में SSC CGL भी होने वाला है, तो वहाँ पे ग्रुप डी और CGL साथ में चलेगा, तो वहाँ पर भी क्लास होने वाला है, तो TCS के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। 90% जो एग्ज़ाम आज के टाइम पे ऑनलाइन हो रहा है वो TCS ही करा है, बैंकिंग ले लो, रेलवे ले लो, और भी जितने एग्ज़ाम हैं वो TCS SSC के सारे एग्ज़ाम तो TCS ही कराते हैं यार, तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है TCS के लिए। तो इसका मतलब एक और बहुत बड़ा मतलब ये है, इसका एक बहुत बड़ा मतलब ये है कि कम से कम 4 महीने 4 मंथ क्या होगा ग्रुप डी का एग्ज़ाम चलेगा। अगर 4 महीने लेके चलते हो तो कितना हो जाता है, मई जून जुलाई अगस्त, अगर 4 महीने चला तो इसका इम्पैक्ट किस पे होगा, NTPC CBT2 पे होगा। सिंपल सी बात है ना, कुछ फालतू बोल रहा हूँ मैं, कुछ भी फालतू नहीं बोल रहा, लॉजिकली सब बता रहा हूँ। अगर 4 महीने हो, क्योंकि यार और भी दूसरे एग्ज़ाम है, फिर CHSL का हो सकता है, CBT2 भी लाइन में आ जाए, तो CGL का ऐसे देखा जाए तो 10 दिन में निपट जाता है। फिर भी यार यहाँ पे भी ग्रुप डी में तो कितने बंदे हैं, ग्रुप डी में 1.25 करोड़ है यार, 1.25 करोड़, और कोई भी कंटिन्यूअस एग्ज़ाम नहीं हो रहा, गैपिंग भी रहते हैं, तो 4 महीने तो मान सकते हो यार। NTPC का ही देखो ना, सिर्फ 12 लाख ही तो कम है, 4 महीने तो लग ही गए ना, 4 महीने ऑलमोस्ट उससे ज़्यादा ही लगने वाले हैं, राइट। तो समझ लो कि इसका इम्पैक्ट NTPC CBT2 पे भी होगा यार, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। रेलवे ने इस चीज़ को सीरियसली शायद नहीं लिया, इसका ही नतीजा, अदरवाइज 31 मार्च तक तो ये फिनिश ही हो जाना था, जो कि रेलवे ने थोड़े हल्के में लिया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे यार मैं एक चीज़ ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा, जिसका भी फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, अगर तुमने मेरा RRC ग्रुप डी का सीरीज़ देखा है यार, बहुत कम कंपटीशन है, मॉडिफिकेशन लिंक के लिए कॉल, मेल, व्हाटएवर, ITI डालो, जो भी करना मेल करो यार, उनको बताओ। अगर धरना तो अभी जैसे कोविड
के कारण कोविड फिर से बहुत ज़्यादा फैल रहा है, एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा जो कि धरना करना करना सही नहीं होगा। अभी यही कहोगे क्योंकि यार गवर्नमेंट को भी एक है कि यार कोविड फैला रहा है, UPAP जैसे धारा लाई लगा दे रहे, तो ये बहुत बड़ी एक चैलेंजिंग है। तो यार एटलीस्ट वी कैन डू इज टू RTI तो कर सकते हो, कॉल तो कर सकते हो, मेल तो कर सकते हो ना, और क्या ट्वीट कर, ट्विटर कैंपेन पे भी तुम लोग यार 5 लाख बंदे यार, मतलब 5 लाख बंदे में सिर्फ हार्डली 10-20 बंदे ही कर रहे हैं, ऐसा क्यों? क्या 10-20 बंदों में ही इंटरेस्ट है? नहीं, इंटरेस्ट तो सब में, लेकिन सब या वही इंडियन मेंटलिटी है कि हाँ यार हम ही होशियार हैं और दूसरे तो बेवकूफ काइंड ऑफ एटीट्यूड है। दिस इज़ अ रॉन्ग एटीट्यूड गाइस, प्लीज़ इससे बाहर निकलो यार, इससे बाहर निकलो। मैं ये नहीं करूँगा कि तुम पढ़ाई वढ़ाई तुम छोड़ो, लेकिन एटलीस्ट अगर तुम 1 घंटे भी एक दिन में दे रहे हो ना, तो काफ़ी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला। अदरवाइज़ RRC ग्रुप डी में मॉडिफिकेशन लिंक नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो RTI डालो यार, RTI डालो, कॉल करो, मेल करो, ट्वीट करो, और जितना भी पॉसिबिलिटीज़ है, जितने भी पॉसिबिलिटीज़ है, अगर कोई सोर्स वगैरह भी है तो फादर वगैरह कोई सोर्स है तो एक बार कंफर्मेशन कराओ, मतलब कि चेयरमैन वगैरह से मिल सकते हैं तो मिलो यार, जो भी पॉसिबल है करो यार, क्योंकि यार एक आफ्टर ऑल इतनी बड़ी वैकेंसी अब मुझे नहीं लगता कि आने वाली, जिस तरह से अभी वैकेंसी आई है, और बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन 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 अपॉर्चुनिटी, इससे बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी रेलवे जैसे डिपार्टमेंट काम करने का नहीं मिलेगा। आई होप यू आर गेटिंग, जो भी पॉइंट मैंने सारे पॉइंट को बता दिया, एक एक पॉइंट को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है, इसके बाद मुझे नहीं लगता तुम्हें कोई और वीडियो की देखने की ज़रूरत है। हाँ, अगर तुम टाइम पास करने के लिए देखना चाहते हो तो देख सकते हो। ऐसे ही जैसे मैंने स्टेटस के बारे में बोला था कि एक दो बंदों का मैंने देखा था RTI, तो वहाँ पे स्क्रूटनाइज लिखा हुआ है, जैसे कि मैंने किया था तो वहाँ पे एग्जामिनेशन इज़ प्रोसेस। तो स्क्रूटनी अगर होता है मतलब इसका मतलब मोस्ट प्रोबेबली स्टेटस आएगा, लेकिन ऐसा कोई कॉन्फर्मेशन थोड़ी है। जैसे मेरे को एग्जामिनेशन कुछ भी है तो बहुत कम एक दो बंदों में ही ऐसा मेंशन किया गया, लेकिन लेट्स सी व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। ऑल आई जस्ट वांट टू से इज़ कि कॉल, ट्वीट, व्हाट एवर थिंग्स, मेल करो यार, मेल करो, जिससे कि हमें मॉडिफिकेशन नहीं मिला तो बहुत बड़ा लॉस है। इस बात को आई थिंक तुम लोग समझ रहे हो या नहीं समझ रहे, मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन एक बहुत बड़ा चीज़ है जो तो समझना ज़रूरी है। राइट, दिस इज़ मी साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर करो, लाइक करो, प्लीज़ शेयर जरूर करो, लाइक, जिससे कि दूसरों को ही पता चले। हैव ए ग्रेट डे।